हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। हम लोग जिस चैनल पे हैं उसका नाम है एम्बिशन एकेडमी 247। हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये इंतज़ार चल रहा था लगभग पिछले कुछ महीनों से चल रहा था कि एसएससी की वैकेंसी आने वाली है। हम लोग सुन रहे थे कि एसएससी की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन कब आने वाली है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज से ही आज एक नोटिफिकेशन आया, और लगभग इसमें नोटिफिकेशन में तो क्लियर नहीं किया है कि कितनी वैकेंसी होगी, लेकिन जो बातें चल रही है उसमें पता चल रहा है कि लगभग 70,000 के आसपास, 70K के आसपास जो है वो वैकेंसी है। अभी ध्यान रखिएगा कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से छात्र भर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। हम अभी सारी चीज़ों को डिटेल करेंगे कि कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग भर सकते हैं, कितनी आयु के लोग भर सकते हैं, तो सारी चीज़ों का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, सारी चीज़ों का जिक्र हम करेंगे इस एसएससी जीडी के लिए। थोड़ा सा आपको पहले एक जानकारी दे दें कि एम्बिशन एकेडमी 247 आ गया है आपके गूगल ऐप्स पे, तो ध्यान रखिएगा उसको इंस्टॉल करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर जो भी पढ़ाई होगी, जो भी जीडी के बैचेज चलेंगे, उसकी जानकारी और उसके पीडीएफ सारी चीज़ें उस ऐप्स के माध्यम से आपको आप तक पहुँचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एसएससी के बारे में जानकारी, और एसएससी की वैकेंसी जो है वो कौन लोग भर सकते हैं। तो वो भरेंगे जो 10th पास लोग होंगे, 10वीं पास जो लोग होंगे वो लोग इसको भरेंगे, जो लोग 10वीं पास होंगे उसको भरेंगे, और जिनका एज 18 साल हो गया होगा वो लोग इसको भरेंगे। तो पहला तो क्राइटेरिया, आपको 10वां पास और 18 साल एज होने चाहिए। उसके बाद एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है, हाइट का, कि हाइट कितने होनी चाहिए आपके। तो हाइट का ध्यान रखिएगा, सबके लिए अलग अलग हाइट है, तो हाइट का जो है वो जनरल ओबीसी, इसके अलावे एससी, इन कैंडिडेट के लिए जो ऊंचाई है, हाइट है वो 170 सेंटीमीटर इस एसएससी ने रखा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रखा है। इसके माध्यम से, एसएससी के माध्यम से जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनमें छात्र जाते हैं, सिपाही के जो पद होते हैं उसके लिए वैकेंसी आई है। तो ये इनके छोटे से क्राइटेरिया यहाँ पे है। इसमें महिला के लिए भी है, तो महिला के लिए जो हाइट है वो लगभग 160 सेंटीमीटर है, यह ध्यान रखिएगा। आप किसी भी साइट पे जाइएगा तो आपको इसके बारे में बिल्कुल बहुत ज़्यादा जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। वैसे इस वैकेंसी की सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, हमारे ऐप्स पे मिल जाएगा, जिस ऐप्स का नाम है एम्बिशन एकेडमी 247, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है इसके फॉर्म कब से सर फिलअप होंगे। तो फॉर्म जो है वो 25/3/2021 से, यानी आज के तिथि से इसकी फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है, और इसमें जो चार्जेज हैं वो ₹100 जो है वो रखे गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म को भरना तो बिल्कुल नहीं भूले। जिन लोगों को देश की रक्षा का एक जुनून होता है, जो लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को भरें, और हमारे इस एप्लीकेशन पर ऑनलाइन बैचेज शुरू की जाएगी जो होली के बाद, आफ्टर होली लगभग 15 से 20 अप्रैल के बाद इस बैचेज की घोषणा होगी, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 18 साल एज, 10वीं पास, इसके अलावे जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी लोग होंगे, ये लोग जो भी एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए वो लोग इसको भर सकते हैं। ध्यान रखना है कि ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है। इसके कटअप जो होते हैं वो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं, तो हर एक जिलों के लिए अलग अलग होते हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा इस पर आगे आते हैं, और हमारा अगला जो है आगे बात करेंगे इस पर, एक सेकेंड, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके सिलेबस क्या क्या होते हैं, सिलेबस इसके क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस
कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि एसएससी जो पूछती है इसके जो सिलेबस होते हैं, एक होता है जीके जीएस, इसके अलावे होते हैं, दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो होता है मैथ्स, तीसरा होता है रीजनिंग। इसके अलावे जब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो करेंट अफेयर के 2-3-5 सवाल होते हैं। इसके अलावे हिंदी या ईएनजी इंग्लिश, जो भी लोग जिसमें जिनकी अच्छी होती है वो लोग वैसे सब्जेक्ट को चूज करते हैं और अपना सिलेक्शन लेते हैं। ये कुल क्वेश्चन जो होते हैं इसमें वो 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन जो होते हैं तो इसमें 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके जीएस के, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के, और इसके अलावे ये जो इंग्लिश और हिंदी के जो होते हैं उसके 25 क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो बैचेज जो चलाई जाएंगी वो इन सारी सब्जेक्ट के लिए चलाई जाएंगी, अलग अलग फैकल्टी आएंगे इसके लिए। तो ध्यान रखिएगा ये 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके जो कटअप बने हैं पिछले साल, तो पिछले साल क्योंकि कटअप तो हर एक जिले का अलग अलग होता है, जो नक्सलाइट एरिया होते हैं उसके अलग होते हैं, तो इस तरीके से, लेकिन इसके कटअप लगभग 60 से 70 और कुछ एरियो में तो 70 से 80 के बीच में भी गए हैं। तो आप लोगों को जितना मेहनत करना है मैं करवाऊंगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जो सिलेबस के हिसाब से, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है। तो फॉर्म भरना ना भूलें, फॉर्म के भरने के अभी टाइम है, और इसका लास्ट डेट अभी, क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ है तो इसके लास्ट डेट अभी है। और जो भी लोग का 1/7/2021 को 18 साल पूर रहा है वैसे लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ये चैनल है इसके नाम से गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है। ये चैनल का नाम है एम्बिशन एकेडमी 247। तो ध्यान रखिएगा इस ऐप्स को भी डाउनलोड करें, बाकी सारी डिटेल्स पीडीएफ के रूप में आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कुछ वैकेंसी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।